हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। आज की वीडियो में हम जीमेल अकाउंट में कोई भी अल्टरनेट ईमेल ऐड करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास याहू मेल है और मैं इसे जीमेल अकाउंट में साइन इन करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जीमेल का साइन इन पेज है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड ऐड करूँगा तो यहाँ पर मेरा जो गूगल अकाउंट है वो साइन इन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने याहू मेल का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो गूगल अकाउंट है वो साइन इन हुआ है। तो आप अपनी ईमेल में, जीमेल में अल्टरनेट ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपने मैनेज योर गूगल अकाउंट का एक बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद सेटिंग ओपन हो जाएगी, आपने यहाँ पर पर्सनल इन्फो को ओपन कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फो का एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी अल्टरनेट ईमेल ऐड है, यहाँ पर आपने किसी भी जगह क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टरनेट ईमेल का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं मेरी याहू मेल जो है यहाँ पर ऐड है। मैं फ़िलहाल इसे रिमूव करके आपको दोबारा ऐड करने का तरीका सिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर नीचे जो अल्टरनेट ईमेल है, यहाँ पर आपको अल्टरनेट ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपने ऐड अल्टरनेट ईमेल पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, आपने यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल ऐड करनी है, कोई भी याहू या आउटलुक या जीमेल जो भी ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद आपने ऐड करना है, ऐड करने के बाद ये ईमेल ऐड हो जाएगी। आपने बस एक मरतबा अपनी याहू मेल या कोई भी अल्टरनेट मेल जो आपने यूज़ की है वो साइन इन करनी है और वहाँ से आपने अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं याहू मेल ओपन कर ली है, आपने अल्टरनेट ईमेल जो ऐड की है वो ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने उसको एक मरतबा वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ये आपके जीमेल अकाउंट में, आपके गूगल अकाउंट में ऐड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो याहू मेल है वो मेरे गूगल अकाउंट में अल्टरनेट ईमेल के तौर पर ऐड हो चुकी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि किसी को ये मालूम नहीं होता कि आपकी पर्सनल ईमेल एड्रेस कौन सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।